हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको ए और ए में अंतर करना बताएंगे। देखिए, बहुत ही कम बच्चे समझ पाते हैं कि ए और ए में डिफरेंस क्या होता है और उनको कैसे पढ़ते और लिखते हैं। ठीक है, तो हम आपको ए और ए में डिफरेंस करना बताएंगे। देखिए, ना, ना पे ए की मात्रा का, नेक, ना, ना पे ए की मात्रा, या पे आ की मात्रा, नहीं या। देखिए, ए पे एक मात्रा हमने लगाई है, ना पे एक मात्रा लगाई है, और का, ए मतलब एक, एक मात्रा, और का, नेक, नहीं या। का पे एक ही मात्रा, ला पे आ की मात्रा, केला। का पे आई की मात्रा, या पे आ की मात्रा, गया। का पे एक ही मात्रा, का, केक। का पे आई की मात्रा, दा पे बड़ी की मात्रा है, कैदी। ठीक है, फिर देखिए, ना, वा, वा पे एक की मात्रा, ला पे बड़ी की मात्रा, नवेली। मा पे आई की मात्रा, दा पे आ की मात्रा, ना, मैदान। मा पे एक, ला पे एक ही मात्रा, रा पे छोटी एक ही मात्रा, या पे आ की मात्रा, मलेरिया। पा पे आ की मात्रा, दा पे आ की मात्रा, वा पे आ की मात्रा, रा, पैदावार। एक ही मात्रा, देखिए हमने आप एक तरफ एक ही मात्रा लिखी है और दूसरी तरफ ए की मात्रा लिखी है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ही मात्रा में एक ही मात्रा लगी है और जहाँ जबकि ए की मात्रा में दो मात्राएं लगी हैं। तो अब किस तरह से आप जानेंगी कि कहाँ पर ए की मात्रा लगी है, कहाँ पर लगनी चाहिए और कहाँ पर नहीं लगनी चाहिए। जैसे हम एक ही मात्रा का एक शब्द लिखते हैं, नेक। ठीक है, तो इस तरह से अगर लिखा है और अगर आपने यहाँ पर आई की मात्रा लगाई, ठीक है, या आपने आई की मात्रा लगाई यहाँ पर, ना, ना पे दो मात्राएं, और का, नायक। अगर आपने इस तरह से नायक लिख दिया तो सोचिए, नायक कोई शब्द होता है? नहीं होगा, क्योंकि नायक शब्द नहीं होता है। शब्द क्या होता है आपका? नेक, जो कि ए की मात्रा का होता है, आई की मात्रा का। ठीक है, तो ए की मात्रा का शब्द नेक है, तो वो नैक हम नहीं पढ़ेंगे, और अगर नैक लिख देंगे तो वहाँ पर आपके मार्क्स कट जाएंगे, है ना बच्चों? तो बस इतना ध्यान रखिए कि हम बोलते कैसे हैं, किस वर्ड को कैसे बोलेंगे। बोलने का तरीका आपके लिखने पर बहुत इफेक्ट करता है ना? बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल सही बोलें। जैसे नेक, ठीक है, नेक, कितना डिफरेंस है? बोलने में बहुत डिफरेंस आपको पता चल जा रहा है कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है। फिर हमने जैसे लिखा केला, ये एक ही मात्रा का शब्द है। किसका है? एक ही मात्रा का शब्द है, और अगर हमने इसको लिख दिया कैला, ठीक है, अगर हमने इस तरह से इसको कैला लिख दिया, तो क्या ये सही है? आप किसी से मत पूछिए, खुद से पूछिए, क्या कैला, आपने, आप लोग कैला खाते हैं? नहीं ना, क्या खाते हैं हम केला खाते हैं। तो हमने क्या लिखा? के, यानी कि एक ही मात्रा, आई की मात्रा नहीं होगी, एक ही मात्रा, केला, केला। राइट वर्ड है, रॉन्ग वर्ड है। एक और देख लीजिए, जैसे हम थ्री वर्ड का है, थ्री अक्षर का शब्द है, केतली। तो केतली में भी ऐसे ही, कौन सी मात्रा का शब्द है? एक ही मात्रा का, और अगर हमने इसको लिख दिया कैतली, इस पे हमने दो मात्रा चढ़ा दी और ए की मात्रा लगा दी, और हमने इसको क्या लिखा? कैतली। तो क्या ये सही है? आप लोग क्या बोलते हैं कॉमन वर्ड्स में, क्या बोला जाता है? हम लोग केतली बोलते हैं, ना कि कैतली बोलते हैं। तो जिस तरह आप बोलते हैं उस तरह आप लिखते हैं, और जिस तरह आप लिखते हैं उसी तरह आप बोलिए। अगर आप अच्छा बोलेंगे तो आप क्लियर लिख भी लेंगे। तो ये आपका रॉन्ग वर्ड हुआ और ये राइट वर्ड हो गया।
ऐसे हम आपको इनमें डिफरेंस बताएंगे। ए में कुछ ए के वर्ड हैं, जैसे हमने लिखा नया, हमने ये नया लिखा, और अगर हम इसको नया लिख देते हैं, एक ही मात्रा हमने लगाई और हमने कुछ नहीं किया, लेकिन ये वर्ड आपका, ये शब्द आपका गलत हो गया। गैया, गैया तो आप सभी जानते होंगे, गैया, ठीक है। इस तरह हम गैया लिखते हैं, गैया लिखते हैं, आई की मात्रा का शब्द है, और अगर हमने इस पर एक ही मात्रा चढ़ा दी और गैया लिख दिया, तो क्या ये सही है? नहीं, इसका सेंस ही चेंज हो जाएगा, है ना। तो बोलने के ढंग से आप वर्ड्स के, शब्दों के सेंस भी जान सकते हैं और लिखने का तरीका भी जान सकते हैं। फिर जैसे हमने लिखा मैदान, और अगर आपने इस पर एक ही मात्रा चढ़ा दी, मैदान लिख दिया, तो क्या ये सही होगा? गलत हो जाएगा। तो ये वर्ड्स आपके रॉन्ग हो गए और ये आपके राइट हो गए। तो अब आपको अच्छे से साथ क्लियर हो गया होगा कि एक ही मात्रा और एक ही मात्रा में कितना डिफरेंस होता है। एक ही मात्रा में एक मात्रा लगती है और ए में दो मात्राएं लगती हैं। एक ही मात्रा के वर्ड्स को अलग तरीके से बोलते हैं और ए की मात्रा के शब्दों को, वर्ड्स को अलग तरीके से बोलते हैं। ओके बच्चों, अब हम आपको बताएंगे, आप बड़ों को बताएंगे कि आप बच्चों को अपने किस तरह होमवर्क दीजिए, उनको एक्सरसाइज कराइए कि उनको आसानी से क्लियर हो पाए कि हम किस पे कौन सी मात्रा लगाएं, है ना। ये भी तो है, क्योंकि पढ़ना ही जरूरी नहीं है कि आप कितना ही बच्चे को लर्न करा दीजिए और कहिए हमारे बच्चे को लर्न नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो शायद नहीं आएगा। हो सकता है कुछ बच्चों को आ जाए, लेकिन सभी बच्चे नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि जितना वो एक्सरसाइज करेंगे, जितना वो खुद से रिटेन करेंगे, जितना वो खुद से गेन करेंगे, उतना आप उनको गेन नहीं करा सकते। तो इसलिए आप उनको एक्सरसाइज दीजिए इस तरह से, और उनसे बताइए, उनसे कहिए कि इनमें आप डिफरेंस बताइए कि कौन सा ए का शब्द है और कौन सा ए का शब्द है, उस पर मात्राएं लगाइए। तो बच्चे खुद से सोचेंगे कि हाँ, हमको मात्रा लगानी है, तो हमको समझना होगा कि कौन सी मात्रा है। तो इस